2.5 लाख के, 2.25 के आसपास में था। 2.25। आपने कितने में वो बोली लगा के लिया? 6.25-5 सौ। और जो सेकंड बीडर थे वो कितना बोली लगाए थे? वो उनका नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपालगंज फोकस में। और हम पहुंच चुके हैं जहां पे नीलामी हो रही है गोपालगंज में, वहीं पे पहुंच चुके हैं। और बहुत सारे प्रतिभागी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पे प्रतिभागी आए हुए हैं नीलामी में भाग लेने के लिए। तो एक एक प्रतिभागी से आपको मिलवाएंगे कितने लोगों ने कितनी गाड़ियों में फॉर्म भरा है। तो एक बेहतरीन प्रतिभागी हैं जिनका नाम चुमन जी है, जो हर साल की भांति इस साल भी नीलामी में भाग लिए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस बार, अगली बार तो स्कॉर्पियो लिए थे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ लेते, इस बार इन्होंने कितने गाड़ियों में फॉर्म भरा है, आइए इनसे सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। जी, मेरा नाम चुमन कुमार हुआ, गोपालगंज निवासी है। यहाँ हमको पता लगा कि फिर से नीलाम हो रहा है। मैंने इस बार भी फॉर्म 60 के करीब भरा हुआ है, जिसमें 5-6 गाड़ियाँ हो चुकी है जो कि कल हुई है। आज जो है अभी स्टार्टिंग हुआ है, आज भी 150 फॉर्म का नीलाम होगा, उसमें लगभग 10-15 नीलाम हो चुका है, जिसमें एक गाड़ियाँ हमें मिली है, बाकी और गाड़ियाँ बाकी है। और यहाँ बहुत लोग भी आए हुए हैं, एक एक गाड़ी पे 10-15-20-20 आदमी हैं। तो आपने अभी कौन सा गाड़ी लिया? अभी हमने सुना कि आपने ब्रेजा लिया, कितना उसका कीमत रखा गया था? आप कितने में वो ब्रेजा को आपने खरीदा है नीलामी में बोली लगा के? 2.25 लाख आएगा था, वो 5,96,000 में हुआ है, जो कि मेरे नाम से हुआ है। इससे पहले आपने कौन सी गाड़ी ली है और ये कितने बार आपने नीलामी में, ये मतलब कितनी बार आप नीलामी में भाग ले चुके हैं या गोपालगंज में या और जिलों में? ये मेरा 5वां बार नीलाम में शामिल हुआ हूँ, जिसमें इसके पहले वाले में 3 गाड़ियाँ लिया हूँ, जिसमें एक स्कॉर्पियो और एक बलेरो और एक बलेरो पिकअप था और 4 मोटरसाइकिल लिया था। इसके पहले वाले में आर्टिका कार लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो जैसे कि बहुत जैसे पैसा जमा करने का समय जब आता है तो कैश पैसा लिया जाता है, तो आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, बदलाव हो चुका है, जैसे जो स्पेशल है उनके लिए जो है वो आपको बैंक पे भी जमा कर सकते हैं चालान द्वारा, चालान द्वारा, जो कि ऑफिस से चालान अप्रूव होता है और चालान लिया के बैंक में जमा कर दिया जाता है, चालान का रसीद देने के बाद वो जो है गाड़ी आपके नाम से हो जाता है। अच्छा, गोपालगंज में जो नीलामी है इसमें आपको कुछ बदलाव चाहिए या नहीं? नहीं, ठीक है, बदलाव वो सही है जिस तरह का हो रहा है, लेकिन जो है इसमें जो है डेट जो है 3-4 दिन लगाया जा रहा है, उसको रात तक, मतलब 1 दिन में 2 दिन में कर दिया जाएगा तो समय का बचत होगा, जैसे पहले होता था 1 दिन में क्लियर हो जाता था। जी, इसमें 3 दिन और 4 दिन आदमी इसी में लगा रह जा रहा है। चलिए, अब दूसरे प्रतिभागी से मिलते हैं और ये भी हर साल की बात है, इस बार भी नीलामी में भाग लिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। अनिल यादव। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। कितने गाड़ी पे आपने फॉर्म भरा है? 4 गाड़ी पे। कौन कौन से गाड़ी पे? 4 बाइक है। 4 बाइक है। इससे पहले आपने कौन कितनी गाड़ी ली है नीलामी से? बाइक ली है 2 बाइक। हाँ, अभी आपने इस नीलामी में आपने गाड़ियाँ ली हैं? अभी नहीं ली, अभी फर्स्ट पहला दिन है। और इनसे जानते हैं कुछ विशेष जानकारी, तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, दीपक कुमार नाम हुआ, हम बेतिया पश्चिम चंपारण जिले से आए। पश्चिम चंपारण से। तो आप इस बार नीलामी में भाग ले रहे हैं या ये आपका दूसरा बार है? नहीं नहीं, गोपालगंज में ये पहली बार है, इसके पहले हम लोग बेतिया और मोतिहारी में वो ऑक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो आप कितने गाड़ियों पर आपने इस बार फॉर्म भरा है गोपालगंज में? यहाँ हमने भरा है 70 गाड़ियों पर। 70 गाड़ी पर फॉर्म भरा है। तो आप 70 गाड़ी में से कितने गाड़ी आप लेंगे इस बार? 3 गाड़ियाँ हो चुकी हैं कल, बाकी आज नंबर होने वाला है, आने वाला है। 70 गाड़ियों पे फॉर्म भरने का आपका क्या मकसद है कि इसमें से कुछ 10 गाड़ी या 15 गाड़ी हमको मिल जाए? 15 या 20 जो भी मिल जाती है, वो जो हमारे रेंज में है, जो जिसका जितना फिक्स किया हुआ है दाम, जो इतने प्राइस में ले लेना है, उतने तक अगर हमको मिलता है तो हम वो गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा, तो और भी बता, जो आप मोटरसाइकिल में नीलामी जो लिस्ट था उससे आप कितना अधिक बोली लगा के नीलामी में वो गाड़ी खरीदे हैं? देखिए, वहाँ होता क्या है ना, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितने बीडर होते हैं, तो मैक्सिमम बीड बोल के लिया जाता है, तो जहाँ अगर सब कुछ हट जाते हैं वो उतना तक हमको लेना होता है तो ले लेते हैं। जो आप बताते हैं गोपालगंज फोकस न्यूज़ पे, उससे काफ़ी हेल्प मिला है हम लोग को गाड़ी देखने में, इसके लिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने हमारे चैनल को देखा। और बहुत, चलिए आप एक दूसरे प्रतिभागी से मिलते हैं कि ये यही जो प्रतिभागी हैं जो जयपुर से आए हुए हैं, तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर सिंह शेखावत, विराटनगर जयपुर का रहने वाला हूँ, जो कि मैं यहाँ पे राजस्थान से आया हूँ। यहाँ पे ऑक्शन का देखा था आपके गोपालगंज फोकस के नाम से, कल भी मैंने बताया था फेसबुक पे आपका देखा था, उसके आधार पर मैं यहाँ पे आया था, अभी पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसमें मुझे सफलता हासिल नहीं हुई है। आपने कितने गाड़ियों पे फॉर्म भरा है इस बार? कितने गाड़ियों पे फॉर्म भरा? 5 गाड़ियों का लगा रखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो आपको एक भी गाड़ी अभी नहीं मिली है? अभी एक का ही नंबर आया है मेरा, जो उसमें मैं असफल रहा हूँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी वो? वो एक ब्रिजा थी। आपने कितना में लिया वो ब्रिजा? वो उसमें लगा रखा तो 2.25 लाख का था, मेरा था कि 5-25 के आसपास हम लोग ले लेंगे, लेकिन वो 6-25 के आसपास चला गया अभी। तो आपको नहीं मिला वो? नहीं, हमें वो नहीं मिल पाया।
जो पेपर अनाउंस हो जाता है, पब्लिश्ड हो जाता है, उसके बाद फॉर्म भरने के समय इन वक्त बताया जाता है ये गाड़ी कैंसिल हो गया, इस पर आप नहीं डाल सकते, बिड नहीं कर सकते, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब आप क्या समस्या रही, फिर से एक बार बताइए क्या समस्या रही। समस्या ये रही थी कि जैसे मान लो जो गाड़ी कैंसिल हो रही थी ना, वो अगले दिन उसी टाइम पे बताते ठीक रहे, लेकिन उन्होंने क्या सेम डे बताया कि ये गाड़ी कैंसिल हो गया, तो उसको एक दिन पहले बता देना चाहिए था। पहले बता देते तो हम लोग उसमें होना चाहिए था कुछ हो जाए। बाकी तो मैं भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ जिन्होंने ब्रिज हासिल करी है, ये हमारे दोस्त हैं। ये गाड़ी रसीद कट चुका है, ये रसीद कट चुका है और ये बता रहे हैं कि आज कैंसिल हुआ है। अगर ये रसीद काटने से पहले बता दिया जाता कि कैंसिल है तो इनका टाइम वेस्ट नहीं जाता और पैसा भी वेस्ट नहीं जाता। जो इनमें इन्होंने 20% का जो राशि लगा रखा है वो कैंसिल किसी और गाड़ी पे ये फॉर्म भर देते। चलिए ये ब्रेजा लिए हुए हैं, चलिए इनसे सबसे पहले हमारी गोपालगंज फोकस की टीम की तरफ से और गोपालगंज फोकस चैनल से आपका बहुत बहुत मतलब कंग्रेचुलेशन। सेम हियर। तो आपने जो गाड़ी थी ब्रेजा उसका प्राइस लिस्ट क्या था? प्राइस लिस्ट 2.5 लाख 2.25 के आसपास में था। आपने कितने में वो बोली लगा के लिया? 6.25-5 सौ। और जो सेकेंड बीडर थे वो कितना बोली लगाए थे? वो उनका 6.20 था। आप कितना में लिए? नहीं 6.25 था उनका, 6.25-5 सौ में हम लिए हैं। 6.25 में। और भी आपने गाड़ी में फॉर्म भरा है? हाँ फॉर्म भरा है। हाँ। कहाँ से आए हुए हैं आप? मुजफ्फरपुर। नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। रिशु नाम हुआ। रिशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशन आपको कि आपने नीलामी में भाग लेके एक ब्रेजा गाड़ी आपको हासिल हुई। थैंक यू। अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शेयर इसलिए कीजिए कि जो भी बिहार में लोग नहीं जानते हैं नीलामी की प्रक्रिया, नीलामी का प्रोसेस, नीलामी होता क्या है, तो उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग नीलामी में भाग ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नीलामी में लोग पहुँचे और अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ खरीद सकें। तो सबसे ज़्यादा आपको बता दूँ कि जो भी आपके आसपास जिला है वहाँ पर नीलामी हो रही है, तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए गोपालगंज फोकस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।